जो बात है ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक ऐसी बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। मुझे अपना याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान था, मैं बाहर बैठा था और मैं एज अ 12th मैन अंदर जा रहा था। तो मेरे ख्याल में इसमें ना कोई शर्म होनी चाहिए और ना सरफराज, बहुत जबरदस्त इंसान भी है, लड़का भी है, प्लेयर भी है, और ये नो उसके इट्स अ टीम गेम। जब आपके तीन चार लड़के बाहर हैं और आपके एक्स्ट्रा प्लेयरों ने बारी बारी जाके प्रैक्टिस करनी है उस स्लॉट में, तो जो बंदा अवेलेबल है उसने हेल्प आउट करनी है अपने प्लेयर्स की। तो आई थिंक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, इट्स आई थिंक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम ऑल्सो, कि उसको कोई इसमें वो नहीं है, किसी को भी नहीं है। इट्स जिसको कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी टीम की ये निशानी है। और जहां तक आप मैच की बात कर रहे हैं और फॉलो ऑन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे आपने देखा होगा इन कंडीशंस में जहाँ पिच डिटेरियरेट होती है और अभी बहुत टाइम होता है, वहां आप कोशिश यही करते हैं कि अपोजिशन को मैच से बाहर करें, और अगर आपके पास इवन फॉलो ऑन का चांस हो भी तो आप आखिरी इनिंग उनको खिलाएं। तो अभी तो खैर बहुत, अभी तो मेन प्लेयर खेल रहे हैं, उनके सेट खेल रहे हैं दोनों, ये बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। और फिर इंग्लैंड की जो टेल है, दूसरे राउंडर्स हैं, वो भी अच्छे बैट्समैन। अभी फिलहाल तो हमारे लिए इनको आउट करना है, हमने किसी अच्छी पोजीशन में आना है और अच्छी लीड लेनी है। इतना ज्यादा हमें आगे नहीं सोचना, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मैच पूरी हमारे हाथ में आ गया या कुछ। आई थिंक स्टिल हमें बहुत मेहनत करनी है इस मैच में और फिर देखना है कि कहाँ आउट करते हैं और आगे क्या करते हैं। जी क्विकली लास्ट क्वेश्चन।